हेलो करो। हेलो, तो यहाँ पे ऋषभ और रिया सब स्कूल जा रहे हैं, है ना? हाँ, आज मैं को अवार्ड मिलेगा। और आज ऋषभ को अवार्ड मिलने वाला है। रंगोत्सव कंपटीशन हुआ था इसके स्कूल में, तो उसी में ऋषभ ने फर्स्ट किया है, इसलिए ऋषभ को अवार्ड मिलने वाला है आज। तो इसलिए ऋषभ नहा धोवा के पूजा पाठ करके तब जा रहे हैं अपना फर्स्ट अवार्ड लेने, ना ऋषभ? हाँ। और ऋषभ के स्कूल में आज सरस्वती पूजा भी होगी। हाँ। और 26 जनवरी में मनाया जाएगा आज ही। हाँ। तो आज ही दोनों चीज़ भी होगा, तो इसलिए नहा वहा गया है सुबह सुबह कि पूजा वूजा करूँगा। ऐसे ऋषभ रोज नहा के आता है, लेकिन फिर भी आज अच्छे से शैम्पू वैम्पू करके नहा कर आया है ना ऋषभ। हाँ। तो आज मेरे बेटे को अवार्ड मिलेगा। अब से स्टार्ट हो गया ना ऋषभ? हाँ। अब से स्टार्ट हो गया अवार्ड आना मेरे घर में, है ना? अगले साल तो लॉकडाउन था, स्कूल बंद थी अगले साल फर्स्ट क्लास में। हाँ। ऑनलाइन ये पेपर ऊपर हुआ था। हाँ। लेकिन अब से स्कूल जा रहे हैं। अब से हर साल आएगा ना? हाँ। आएगा ना हर साल घर में? हाँ। चलो चलते हैं स्कूल। क्या हो गया पैर में? तो यहाँ पे मेरा ऋषभ का स्कूल आ गया। और ऋषभ के बैग इतने भारी होते हैं, बच्चे इतने छोटे हैं, बैग इतने भारी, इतनी सारी बुक। तो अब मेरा ऋषभ स्कूल जा रहा है, देखो कितने भारी बैग है, बैग से लटक जाता है बेचारा। और आज रिपब्लिक डे भी मनाया जा रहा है, इसलिए बोर्ड भी लगा है बाहर। ये मेरा बच्चा स्कूल गया स्कूल छोड़ के। मैं और रिया चले रिया के स्कूल ना। हाँ। यहाँ पे गाय माता है, गाय माता को हमने रोटी भी खिला दिया, तो अब चले चलते हैं, है ना? चलो। तो मैं और गोलू अब जा रहे हैं ऋषभ को स्कूल से लेने के लिए। और ये देखिए कैसा मौसम क्या है, पूरा बारिश जैसा, ऐसा लग रहा है जैसा बारिश आएगी। तो चलो अब चलते हैं ऋषभ को लेने। और गोलू भी जा रहा है, वही सोच रही हूँ कि ऋषभ को स्कूल से लेके आ जाऊँ, फिर बारिश हो और देखते हैं ऋषभ को क्या अवार्ड मिलता है। तो चलो देखते हैं, चलो चलते हैं ऋषभ के स्कूल। क्या गोलू, क्या मिलेगा भैया को? टॉफी मिलेगा। और गोलू अपने पॉकेट लेके जा रहे हो? हाँ, गोलू अपने पॉकेट लेके जा रहा है। फिर से ठंडी बढ़ गई, मतलब ठंडी कम हो गई फिर ठंडी बढ़ गई, बिल्कुल धूप नहीं हुई है आज। और बारिश जैसा मौसम लग रहा है कि बारिश होगी आज। तो चलो चलते हैं। और आज बहुत सारा काम भी है, आज मार्केट भी जाना है क्योंकि कल सरस्वती पूजा स्टार्ट हो रहा है। तो सरस्वती माँ की मूर्ति भी लेकर आनी है, फल प्रसादी सब कुछ लेकर आना है। तो आज बहुत सारे काम है मुझे, तो चलो पहले चलते हैं, जाकर लेकर आते हैं ऋषभ को। ये देखिए कैसे बारिश का मौसम हुआ है पूरा। और वो मेरा ऋषभ का स्कूल दिखाई दे रहा है, तो चलो अब जल्दी दौड़ दौड़ के जाते हैं और जाकर ऋषभ को लेकर आते हैं फटाफट। हाँ गुलू, दौड़ दौड़ के जाओगे ना? कैसे दौड़ के जाओगे दिखाओ तो, कैसे दौड़ोगे? ऐसे दौड़ोगे? ये देखो गोलू के नाटक, कितना नाटक करता है। कैसे दौड़ोगे, दौड़ के दिखाओ, भैया को लेकर आना है जल्दी जल्दी। और सारे कपड़े मैंने यहीं पे अपने छज्जे पे ही डाला है, छज्जे पे ही डाल दिया है मैंने सारे कपड़े, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं हुई है, छत पे नहीं गए थे। और जो बच्चे थे रेलिंग वेलिंग पे डाला है, वो छज्जे पे डाला है। हम चलो चलते हैं ऋषभ को स्कूल से लेने। तो ये मेरा ऋषभ आ गया है घर, और ऋषभ को ये मिला है, ये देखिए ये अवार्ड मिला है। ये देखिए ऐसे उल्टा लग रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है, 2022-23 का, इसलिए कहा भाई ये रंगोत्सव अवार्ड है नेशनल, तो नेशनल अवार्ड भी मेरे ऋषभ को मिला है। स्कूल में इसके कंपटीशन हुआ था, तो उसी में इसको ये अवार्ड मिला और सर्टिफिकेट मिला है। तो ये मिला है ऋषभ को सर्टिफिकेट, अभी स्कूल में है मैम के पास, वो कल लेकर आए। मैम ने बोला कि कल दे दूँगी, क्योंकि छुट्टी होने वाली थी बच्चे, तो इसीलिए मैम ने बोला कि मैं सर्टिफिकेट कल दे दूँगी। आइए अवार्ड मिला है ना गुरु ऋषभ? हाँ। तो ऋषभ को ये उनके प्रिंसिपल मैम ने और जो स्कूल के डायरेक्टर हैं उन्होंने दिया है ये। और सारे बच्चे ने ऋषभ के लिए क्लैपिंग किया, तो ऋषभ बहुत खुश हुआ है ना। हाँ। जो भी मेरे को ये ट्रॉफी मिलती है वो मेरी मम्मा की वजह से ही मिलती है, ये ट्रॉफी मैं अपनी मम्मा को पहनाऊंगा। तो ये मेरी ट्रॉफी हो गई। थैंक यू। ऐसे ही पढ़ते रहो बड़े मम्मा। ना अब इतना नहीं, मैं ना हमेशा बोल लाते रहूंगा बड़ा डॉक्टर बनूंगा। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। हाँ। अब तो ये स्टार्ट हुआ है, अब ऐसा हमेशा आएगा हमारे घर पे, है ना? हाँ। अब हमेशा आएगा, और यहाँ पे पूरी दीवार में सिर्फ मेरा ऋषभ का अवार्ड रहेगा, ट्रॉफी रहेगी,
सब यही सब रहेगा। ठीक ठीक। और एक दिन मेरा ऋषभ ऐसे करते करते मेहनत करते करते एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाएगा, है ना। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे ऋषभ को पहला अवार्ड मिला है। अब मैं बहुत खुश हूँ, ऋषभ फर्स्ट आया था, अवार्ड मिला है। तो हमेशा ऐसे ही पढ़ते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो, और अब आप सब लोग आशीर्वाद दो और कि मेरा ऋषभ और भी बहुत अच्छे से बहुत अच्छा करे, और अपने स्कूल में हमेशा फर्स्ट आए, सब चीज़ में सारे कंपटीशन में फर्स्ट आए और बहुत सारे अवार्ड लेकर आए मेरा ऋषभ, है ना। हाँ, तो आज मैं बहुत खुश हूँ। और ऋषभ की क्लास टीचर भी बहुत खुश थी, बीबा मैम, वो भी बहुत खुश थी। तो अभी हम लोग आ गए हैं स्कूल से, अब मैं जा रही हूँ खाना खिलाऊंगी। और ये मेरा ऋषभ का अवार्ड है, मुझे तो कभी अवार्ड नहीं मिला, लेकिन मेरा यही सपना है कि मेरे बच्चे हर चीज़ में अवार्ड मिले, हर चीज़ में, पढ़ाई में, लिखाई में, कंपटीशन में, स्कॉलरशिप मिले। तो इस बार ऋषभ को 90% मार्क्स भी आएंगे और ऋषभ इस बार स्कॉलरशिप भी लाएगा, है ना ऋषभ। हाँ, तो अब चलो ये मिल गया, मैं आज बहुत खुश हूँ। और अब मैं इनको खाना वाना खिलाऊँ, खाना वाना खिलाने के बाद फिर मुझे मार्केट भी जाना है, सरस्वती पूजा की तैयारी भी करनी है ना। हाँ, तो चलो चलते हैं। तो ये आज का मेरी मैं बता नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ, मेरे कोई खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ ये वाली देखकर, और मैं बहुत खुश हूँ अब। तो ये तो स्टार्ट हो गया ना ऋषभ आना। हाँ, तो हनुमान जी का कृपा रहा, तो बस मेरे बच्चे से ही आगे बढ़ते रहेंगे और हम बहुत बहुत आगे जाएंगे। आप लोग भी अपना आशीर्वाद देना मेरे ऋषभ को। तो चलो अब चलते हैं खाना खाने। चलो। तो यहाँ हम लोग खाना वाना खाकर आ गई हूँ मैं सरस्वती माँ की मूर्ति खरीदने, बच्चे को स्कूल भी भेज दिया है। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, कितनी सुंदर है। तो ये सब बड़ी मूर्तियाँ पंडाल उंडाल में सही लगती है, तो मैंने एक छोटा सा मूर्ति लिया है घर के लिए, और बहुत ही बहुत सुंदर मूर्ति है। यहाँ पे देखो अपने हाथ से बनाए हैं लोग, कितनी खूबसूरत खूबसूरत। और यहाँ पे भी बहुत सारी मूर्ति बेच रहे हैं लोग, पर मैंने ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है घर के लिए, मैं छोटे से घर में रखती हूँ अपना, तो मैंने एक छोटी सी मूर्ति ले लिया है। लेकिन ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है माँ सरस्वती। तो लोगों के हाथ में भी कितने गुण होते हैं, हाथ से ही कितना खूबसूरत बना रहे हैं लोग, मानना पड़ेगा हाथों में इनके गुण है। और ये अभी मूर्ति तैयार नहीं हुई है, अभी इनकी आई बनाना है, आँखों को बनाना है। अभी देखिए अभी थोड़ा सा ही बना हुआ है, आँखों को बनाना है, अभी इनका श्रृंगार करना है। तो बहुत सुंदर लग रहा है मूर्ति देख के, एकदम मन खुश हो गया। तो चलो मूर्ति लेके अब घर चलते हैं। तो मैं मार्केट से भी आ गई, और मार्केट से सारे सामान लेकर आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पर ये मूर्ति दिखा दो, यहाँ पर सब फल फूल हैं, बैर जो सरस्वती माँ का सबसे फेवरेट है और जो चढ़ता है, बैर, एप्पल, पपाया। और यहाँ पे माता रानी की चुनरी है, मतलब सरस्वती माँ के लिए चुनरी, माला और रोड़ी वोड़ी जो जो ख़त्म हो गया था वो सारा सामान लेकर आ गई हूँ मैं, और फूल माला भी लेकर आ गई हूँ मैं। ये देखिए फूल और माला ये भी लेकर आ गई, और एकदम छोटी सी सरस्वती माँ को भी लेकर आई हूँ मैं। ये देखिए, ये देखिए कितनी क्यूट सी छोटी सी, अपने घर में ही करते हैं और छोटा सा ऐसे ही रख के बच्चों को बताती हूँ कि सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, ये विद्या की देवी हैं। तो इसीलिए हर साल मैं मूर्ति रखती हूँ छोटा सा, और ऋषभ को पूजा करना सिखाती हूँ, पूजा बताती हूँ कि माँ सरस्वती की पूजा करते हैं क्योंकि ये विद्या और ज्ञान की देवी हैं। तो ऋषभ भी पूजा करता है। तो ये देखिए कितना छोटा सा क्यूट सा, अपने घर में यहाँ पर अपना रख के हम लोग अच्छे से पूजा करते हैं, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, बसंत पंचमी को अच्छे से मनाते हैं हम लोग। देखिए कितनी क्यूट सी माता रानी नहीं हमें, कितनी क्यूट है माँ सरस्वती। तो यार आपको पता ही है दिल्ली में यहाँ पे पंडाल वंडाल ऐसा कुछ बनता है नहीं, जैसे हमारे वहाँ पे आसनसोल में बंगाल में जैसा बनता है वैसा कुछ बनता नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए बच्चे देख भी नहीं, बच्चों को पता भी नहीं चल पाता है कि क्या पूजा, सरस्वती पूजा क्या होता है, पंडाल क्या होता है। तो ऋषभ जब मेरे मायके जाता है तभी देखा था वहाँ पे। देखिए ये लोग, तो यही सब मैं छोटा जो सामान है लेकर आई हूँ अपने घर में रख के, छोटी सी मूर्ति रख के, और पूजा करती हूँ। और ऋषभ को भी बताती हूँ कि माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, और गोलू तो अब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, अब उसको भी समझ में आएगा कि सरस्वती माँ की पूजा करते हैं। तो कल सारे बच्चे पूजा भी करोगे अभी? हाँ, बड़ा हो रहा है ना गोलू, तो वो भी करें, मैं भी पूजा करूँगा। तो कल सुबह तीनों बच्चों को नहाऊँगी, नहा धोवा के अच्छे से नए कपड़े पहनेंगे तीनों, और अपनी बुक अपनी कॉपी माँ सरस्वती के पास रखेंगे और उनकी पूजा करेंगे। और उसके बाद फिर जाके मैं सब प्रसाद लाई हूँ चढ़ाऊँगी, फिर प्रसाद बांटेंगे सबको। तो अब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं, गोलू भी बड़ा हो रहा है, तो समझ में आ रहा है।
तो अब यहाँ पे उतना अच्छा से दिल्ली में पंडाल वंडाल बनता नहीं है कि बच्चों को ले जाऊँ, घुमाओ फिराओ, दिखाओ, पंडाल में जाके पूजा करें, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए मैं घर पे ही अपनी छोटी सी मूर्ति रख के अपने बच्चों लोग के साथ सरस्वती माँ की पूजा करती हूँ और इन्हें बताती हूँ कि देखो ये सरस्वती माँ है, पूजा करना चाहिए। मेरे मायके में तो बहुत धूमधाम से बनता है, पंडाल बनाते हैं, बहुत बड़ा सा मूर्ति लाते हैं और 3 दिन एकदम अच्छे से पंडित जी आते हैं, पूजा होती है, बहुत इन्जॉय करते हैं, डांस वांस, गेम, म्यूजिकल चेयर, बहुत कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर ही तो दिल्ली में कुछ होता नहीं है, ना ही कुछ पता चलता है कि सरस्वती पूजा है, दुर्गा पूजा है, कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पर जितना आसनसोल में, बंगाल में समझ में आता है, ये सब कलकत्ता में, आसनसोल, बंगाल में, ये सब में पूजा, सारी पूजा समझ में आती है कि हाँ यहाँ पूजा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ समझ में आता नहीं है। तो मैं घर में ही अपना बच्चों लोग को खुश करने के लिए, कहीं बाहर जाते नहीं हैं मेरे बच्चे, ना ही मेरे पास, मैं अकेले लेके जा पाती हूँ, इसके पापा के पास टाइम रहता नहीं है उतना, तो मैं घर पर ही पूरी अपनी कोशिश करती हूँ तो उन्हें सब कुछ बताऊं कि ऐसे ये होता है, ऐसे ये पूजा करते हैं, नवरात्रि की पूजा, सरस्वती पूजा, सब कुछ मैं उनको घर पे करके बताती हूँ। तो कल ऐसे ही हम लोगों ने मैं विनय भी अपने बच्चों के साथ, ऋषभ के साथ मैंने बताया कि कल सुबह पूजा वूजा करेंगे और फिर इनका ट्यूशन है 10:30 बजे, ट्यूशन चले जाएंगे। वहाँ से आने के बाद मैंने कहा कि खाना वाना खाकर फिर अपने गाना बजाएंगे अपने बुफर में, गाना बजा के फिर पूरा डांस वांस करेंगे। बच्चे हैं जितने ऊपर नीचे, सब बच्चे आएंगे, सब बच्चों के साथ डांस वांस करेंगे, फिर सब बच्चों को प्रसाद बांटेंगे। तो बच्चे पूरे खुश हो गए, करे हाँ ठीक है। तो यही सब कल का हमारा प्रोग्राम है। मैं तो साड़ी पहनूंगी। हाँ, और वहाँ पे ना छोटी छोटी लड़कियाँ, हमारी भी शादी हुई नहीं हुई थी ना, तो शादी से पहले हम लोग भी साड़ी पहनते थे सरस्वती पूजा में। और मैंने रिया को बोला कि तू, अब तो इस साल रिया हमारे पास है, तो मैं बोली कि रिया को कमी ना महसूस हो वहाँ की, बंगाल की। तो मैंने रिया को बोला, रिया कल मैं तुझे साड़ी पहना दूंगी, अभी मैं बेड खोलूंगी, उसमें से साड़ी निकालूंगी, अपने लिए भी निकालूंगी और रिया के लिए भी निकालूंगी। मैं पंजाबी कुर्ता पहनूंगा। ऋषभ मेरा पंजाबी कुर्ता पहनेगा। कोट पहनोगे आप? कोट पहन के तो शादी करने जाते हैं, कल शादी है क्या आपकी? कोट पहन पहन के शादी करने जाते हैं भाई? कल तो आप ही पंजाबी कुर्ता पहनना भैया की तरह। कोट पहनोगे आप? अरे मेरा क्यूटू, कोट पहन के तो और क्यूटू बन जाएगा भाई, फिर तो मेरे को मीठा लेने का मन करेगा बहुत सारा, फिर मैं बहुत सारा मीठा लूंगी, फिर बहुत सारा मीठा ले लेके परेशान कर देंगे आपको, फिर हम लोग सब मिल लेंगे, रिया भैया मैं सब कोई मिलके पूरा मीठा लेंगे फिर आपको। तो कल इन लोगों के लिए मैं भी जा रही हूँ, कपड़े वपड़े निकाल दूँ और शाम हो गई है, जाऊँ दिया दिखा दूँ, दिया दिखाने के बाद सबके कपड़े निकाल दूँ और उसके बाद कल अच्छे से हम लोग सरस्वती पूजा मनाएंगे। तो आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और आज मैंने बताया कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और आपको मेरे चेहरे से ये दिखाई दे रहा हो कि मेरी खुशी का अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा ऋषभ मेरा फर्स्ट आया है रंगोत्सव में, कॉम्पटिशन में, पूरी अपनी क्लास में सिर्फ ऋषभ को ही प्राइज़ मिला, मेडल मिला, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं अपने क्लास का हीरो बन गया। सारे बच्चे कहने लगे, अरे ऋषभ तुम तो मैं हमारे क्लास का हीरो बन गए, क्योंकि क्लास में सिर्फ एक सेक्शन बी से सिर्फ ऋषभ ही था, सेक्शन ए से दूसरे बच्चे थे, सेक्शन सब सेक्शन से एक एक बच्चे थे, तो उसमें मेरा ऋषभ था। तो 30-40 बच्चे में एक ऋषभ का आना बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसके लिए। अरे बाबा रे, ये देखिए गाना, क्या खा रहे हो, क्या है ये बता दो? मौसा है, मोमोस है, ये पुगलिया लिट्टी है, क्या है ये? तो ये मेरा क्यूटू है, तो आज मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। गोलू, अभी स्कूल जाओगे तब भी मेडल लेकर आओगे ना, ट्रॉफी लाओगे ना, अभी स्कूल जाओगे तो मेडल लाओगे ना, मेडल लेके आओगे ना? हाँ, स्कूल नहीं जाते हो? जब मैं आपका स्कूल में नाम लिखा दूंगी तब तो लेकर आओगे मेडल? नहीं, क्यों मेडल नहीं लाओगे? अच्छे से नहीं पढ़ाई करोगे? स्कूल ही नहीं जाओगे तुम तो? चलो उसकी बात की अलग है, वो स्कूल ही नहीं जाएगा तो मेडल कहाँ से लाएगा? तो एक से बढ़ के एक है। तो ठीक है, मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ अपने राम लखन के साथ। तो ये मेरे राम लखन है, जो भगवान करे हमेशा ऐसे ही राम लखन मेरे साथ में रहें। तो आप लोग बताइएगा आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ हमारे बोलू बस वीडियो का एंड करते हैं, चलो सब मिल गए। तो आप बताइएगा कि आपको हमारा छोटा सा वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को आप कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़। चलो बाय करो, बाय। मेरे लिए नहीं करना, मेरे बच्चों।
बच्चों के लिए तो कर लो, देखो कितने क्यूट बच्चे हैं, कितने अच्छे से बोल रहे हैं। एक बार फिर से बोलो प्लीज प्लीज। अब तक करोगे ना, चलो बाय।